This is automation unit for drip nutrition. इसके थ्रू हम मतलब ये पूरे फार्म को ऑटोमेटिकली फर्टिलाइजर रूट जोन में देना, पानी का पीएच ईसी मेंटेन करना इस मशीन के थ्रू कर सकते हैं। इधर साइड में ये वाल्व स्टेशन है, ये ऑटोमेटिक वाल्व है, ये 2 एकड़, 4 एकड़ और 1 एकड़ पे भी आप डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहला यूनिट है ये फिल्टर स्टेशन है, इसमें हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर है, उसके बाद डिस्क फिल्टर है, उसके बाद पानी मूव होके इसमें से पास होके ये फर्टिलाइजर इंजेक्ट करता है 3 चैनल से। इसमें 3 तरह के सॉल्यूशन हम पानी के साथ मिक्स करके प्लांट्स को फीड कर सकते हैं। इसमें आप 14 दिन का प्रोग्राम बना सकते हैं कि किस दिन आपको पानी देना है, किस दिन नहीं देना और किस दिन आपको फर्टिलाइजर देना है पानी के साथ। मतलब इसमें 14 दिन की प्रोग्रामिंग हो सकती है। और ये पीछे जो है ये टैंक आप देख रहे हैं, तो ये फर्टिलाइजर स्टॉक सॉल्यूशन है, मतलब इसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट का स्टॉक बनाया जाता है, जो न्यूट्रिएंट जो है पानी के साथ मिक्स हो के फील्ड में डिलीवर होते हैं। इस मौसम में हाई टेम्परेचर के कारण लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उनको ग्रो करना मुश्किल है, तो इसमें स्प्रिंकलर ऐड करके मतलब इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया है। इसमें 1 महीना अगली जो है हमारी फसल मार्केट में आ जाएगी। ये मूली की फसल है, मतलब मूली की फसल नॉर्मली जो है फार्मर ग्रो करता है आज से 20-25 दिन बाद, तो हमने इसको 10 दिन पहले इसको सोइंग करी है और ये स्प्रिंकलर पे, ये भी स्प्रिंकलर पे है। मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी मार्केट में नॉर्मल जो फार्मर लेके आते हैं उससे 1 महीना पहले अर्ली मार्केट में आ जाएगी, जो हमको अच्छे रेट देगी। है कुकुम्बर, इसमें हाइब्रिड सीड का इस सीज़न में मलई करना सबसे टफ चैलेंज होता है, तो हमने इसमें मतलब ये एक टेक्नोलॉजी अडोप्ट की है जिसमें हम नॉन वूवन फैब्रिक जो है इस्तेमाल करते हैं लगभग 1 मंथ तक, उसमें क्रॉप को रखते हैं, उसके बाद मतलब कि अब ये क्रॉप फैब्रिक से निकाल के अब इसको ट्रेसलिंग कर दिया है। ये इस सीज़न में मतलब कि एक सक्सेस बन सकता है कि हाइब्रिड कुकुम्बर जो जुलाई सोइंग में है, मतलब इसको सक्सेस अगर होता है तो फार्मर्स के लिए ये बहुत एडिशनल एडवांटेज होगी। अभी रेनी सीजन में फार्मर जो नीचे की फसल करता है तो नीचे की फसल में बारिशों के कारण वो फसल लगभग ख़त्म हो जाती है, तो अभी ये वर्टिकल फार्मिंग का बेनिफिट यही है कि रेनी सीजन में भी आप प्रोडक्शन ले सकते हो। मतलब अब ये क्वालिटी जो है ये आपको नीचे जो भी क्रॉप मिलेगी उसमें ये क्वालिटी जो है आपको मिलेगी नहीं, तो अभी वर्टिकल फार्मिंग का यही बेनिफिट है कि इसमें आप मार्केटेबल फ्रूट जो है नंबर ऑफ मार्केटेबल फ्रूट ज़्यादा अचीव करते हो। ये देखिए आज से 4 साल पहले यहाँ पूरी टमाटर की बेल्ट थी, फदाना गुलरपुर वगैरह जहाँ काफ़ी टमाटर लगता था। पिछले 3-4 साल से एक पेस्ट वाइट फ्लाई है जिसका इंसिडेंस इतना ज़्यादा हुआ कि लोगों ने टमाटर करना ही बंद कर दिया, तो अब हमने जो किया इसका 1 महीने का जो ग्रोइंग पीरियड है उसको इस प्रोटेक्शन दी है फ्लीस से, नॉन वूवन फैब्रिक से, तो 1 महीना ये इसमें निकलेगा, वो जो पीरियड है जिसमें क्रॉप को वो पेस्ट नुकसान पहुंचाता था वो इसमें निकल जाएगा। उसके बाद मतलब कि वो जो है प्रोडक्शन जो है नॉर्मल फार्मर जैसे पहले लेता था वो ले सकता है अगर ये टेक्नोलॉजी अडोप्ट करता है। हमने नेट हाउस है, वैसे तो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन हमने ओपन फील्ड में जो भी क्रॉप लगाते हैं उसकी नर्सरी तैयार करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, तो अभी ये कोकोपीट वाली नर्सरी है जिसको तैयार करते हैं और पूरा का पूरा प्लग जो है ये बाहर निकल जाता है और बाहर ओपन फील्ड में इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अभी इसमें हम गोभी की बोटल, घिया की, खीरे की और जो भी मतलब कि बाहर क्रॉप ट्रांसप्लांट होती है उसकी नर्सरी हम इसमें तैयार करते हैं।
अब इस टाइम रेडी है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। ये ऐसा बेल वाली सब्जियों में क्या होता है कि इनकी रूट्स अगर डिस्टर्ब हो जाए तो ये बाहर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते। तो ये प्लग ट्री नर्सरी जो है इसका सॉल्यूशन है। मतलब कि इसमें आप एज सच मतलब कि पूरा का पूरा रूट सिस्टम इसका निकाल के और बाहर जाके ट्रांसप्लांट कर सकते हो फील्ड में। तो आपको एक तो स्टार्टिंग में ही बेनिफिट ये मिलता है कि प्लांट को स्टार्टिंग में केयर मिल जाती है। आजकल हाइब्रिड सीड महंगे हैं तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है इस नर्सरी के मेथड। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसका हम बात कर रहे थे, नॉन वूमेन फैब्रिक। मतलब इसको हम प्लांट जब स्टार्ट होता है लगभग 30 दिन का, उस पे टाइम हम पेस्ट से प्रोटेक्शन के लिए इसको कवर कर देते हैं। मतलब इसके अंदर एक तो वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है और प्लांट डिजीज और पेस्ट फ्री रहता है। तो इससे ये पीरियड बीतने के बाद मतलब कि आपको 100% इस्टेब्लिशमेंट मिलती है, आपका प्लांट हेल्दी होता है और अल्टीमेट आपका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है।